हल्ला हो रहा है इस वक्त बिहार में, ऐसा कहना है राजद के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद जी का। उनसे हम जानेंगे सर, जिस तरह से बिहार में 2015 में आप लोग साथ में आए थे, सुशासन का वादा किया गया था, अब कैसी सरकार चली? अब खाली घोटाला की सरकार है, घोटाला की गिनती नहीं है कितना घोटाला हुआ, जहां टोइए तहां सरा हुआ है, सरकार का एक अंग दुरुस्त नहीं है, सरन हर जगह सृजन घोटाला। कोई दुनिया में आश्चर्य करता है सरकार का पैसा एनजीओ पे यहाँ चला जाए या एनजीओ खर्चा करे? नीतीश कुमार कहते हैं कि वो खबर नहीं था। अब उसी चार्टर अकाउंटेंट जो संजीव नाम का है, चीफ मिनिस्टर को लिखा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी बहुत बलबलाते हैं, इनको भी तो लिखा। जब नहीं इनके तरफ से सुनवाई हुई तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिखा या वहां से जांच पड़ताल हुई, उस रिपोर्ट को भी लोग दबा दिया। बिना सरकारी संरक्षण के कोई घोटाला होता? और उसके बाद जहां टोइए तहां घोटाला, अनाज घोटाला, वहां पैखाना घोटाला, वहां सब जगह घोटाला, एजुकेशन में टॉपर घोटाला, बताया जाए। हम बहाल किए हैं लाल के सर के, यह ना बहाल किए, नष्ट कर दिया एजुकेशन को। कौन इनका एक पार्टी बतावे जहां घोटाला नहीं? और शिक्षक के बहाली में सब जगह फर्जी, बाद में हम जांच कर करवाई कर रहे हैं, इनका यही है, सब जगह गंदा हो रहा है, अब बाद में कहेंगे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कैसा तुम काम करता है कि जो जिसमें खाली घोटाले हो रहा है, शुरू में ना है कि शायद दूसरे काम करेंगे ये वो त्रुटि कहीं निकलेगी, लेकिन जितना काम कर रहा है एको वो साफ काम नहीं। इसीलिए इस सरकार अनैतिक हो गई, अक्षम है, घोटाला वाली है, इसलिए इनको हटाना जरूरी। जी, आपको लगता है कि इस वक्त विधानसभा भंग कर देना चाहिए? विधानसभा भंग करके तुरंत चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो हाउस को ठीक से चलाना चाहिए, सदन का 3 दिन के कार्यवाही, और वो सदन में सवाल जवाब नहीं होगा, जनता का क्या होगा? उनकी समस्या है, किसानों की समस्या है, उनका अनाज नहीं, दाम नहीं मिलता है, ये लोग खाली घोषणा करते हैं, बेरोजगार को काम नहीं मिलता है, पढ़ाई चौपट है, शिक्षा बंद है, कोई माई का लाल बताए जो कहीं पढ़ाई हो रही है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है, सब जगह भंडूल है इस सरकार, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है, और फिर से वोट हो, फिर उस जनता जिसको चुनेगी वो चुनाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसे चुनेगी उसे स्वीकार करेंगे। रघुवंश प्रसाद जी, हमने आपको राजद कार्यालय से लाइव के माध्यम से जुड़ा था, जुड़ा है भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद।